So hello everyone, welcome back and hope you all going good and hoping so your preparation for upcoming May 2020 नहीं कहूँगा क्योंकि uncertainty examinations पे बनी हुई है। इसी के लिए ये वीडियो मैं लेके आया हूँ, आप सभी के लिए वीडियो मैं लेके आया हूँ, आपकी मोस्ट अवेटेड वीडियो जो आप कह रहे थे मुझे, मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट, मैंने वीडियोस के थ्रू सबको बताया था कि प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आज आपके लिए वो इस टाइम को पूरा करने जा रहा हूँ। आज मैं आपको बता दूंगा कि कौन से मंथ में, लेकिन एक्सपेक्टेड और एस्टिमेटेड वर्ड यूज़ रहेगा, एक्सपेक्टेड और एस्टिमेटेड वर्ड यूज़ रहेगा क्योंकि इट्स ऑल ओवर डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशंस, राइट। अब तुम कहोगे सर ये तो हमें सब पता था, हमें तो पहले से ही पता था ये चीज़ें ऑलरेडी हुई, लेकिन यस जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ बहुत ही एक तरह से आप उसको रिलाय कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशंस के साथ आप ऑथेंटिकेट चीज़ें जो मैं आपके साथ करूँगा डिस्कस वो ऑथेंटिकेट होंगी, ठीक है। तो पहले तो चीज़ दिमाग में क्लियर कर लो कि जो भी चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा दैट विल ऑथेंटिकेट, राइट। और आप इसको मंथ बेसिक अपना एक बेस मंथ मान करके प्रिपेयर कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। लेकिन बिफोर डिस्कशन ऑफ दैट दो या तीन चीज़ें हैं थोड़ी मुझे जो शेयर करनी है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लूँगा, आप थोड़ा सा प्लीज़ इसको सुनिएगा। ऐसा है कि मैंने जब से ये एक्चुअली जब से वीडियो डालनी शुरू करी है और ये जो एक्सपीरियंस है जो मैंने आई फेल्ट दैट मैंने जो एक्सपीरियंस फील किया है वो ये एक्सपीरियंस शेयर फील किया है कि अगर स्टूडेंट्स को एक अच्छी खासी वीडियोस मिलती रहती हैं तो वो अप्रिशिएट करता रहता है और ऑब्वियसली करना भी चाहिए, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन जब अपडेशंस डेली बेसिस पे दी जाती हैं तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि सर लिखते हैं कमेंट्स में, सर व्हाई यू आर मेकिंग अननेसेसरी वीडियोज़, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन आवर स्टडी, वी जस्ट फोकसिंग ऑन योर वीडियोज़। सो पहले तो मुझे ये बता दो कि आप मेरी वीडियोज़ को भी देखते हो, अगर आपको स्टडी करनी है तो आप नहीं स्टडी करो। मैं वैसे तो निगेटिव पीपल्स को इग्नोर करता हूँ, मुझे पता है इस वीडियोज़ पे भी डिसलाइक मिल जाएंगे, मुझे पता है जो डिसलाइक करने वाला होता है ना वो क्रिटिसाइज़ करना ही है, उसका ऑब्जेक्टिव ही वही है। तो प्लीज़ मुझे इस बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यस मुझे शेयर करनी थी, मुझे मतलब लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। अब जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं कह रहा हूँ आपको 95% बोलूँगा, बल्कि 5% आप प्रोविजंस बना के चल सकते हैं, 95% आप इस मंथ को बेस मान करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, राइट है। अब जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान रखना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को लास्ट तक नहीं देखोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा आपको, ठीक है। और चैनल पे न्यू हो तो प्लस सब्सक्राइब कर लो पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। चलो थोड़ा सा दिमाग लगाना, लॉजिकल जाएंगे। 27th of April पे इंस्टीट्यूट ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि आपके एग्जामिनेशन पोस्टपोन किए जा रहे हैं और हम आपको 25 डेज पहले नोटिफाई कर देंगे, एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो गए, ठीक है, विद कोई टेंटेटिव डेट इंस्टीट्यूट ने अनाउंस नहीं करी। आज हम अभी स्टैंड कर रहे हैं 9th of May पे, क्या है आज डेट, क्या है 9th of May, आज हम स्टैंड कर रहे हैं 9th of May पे। आज से अगर लगाओ तो अभी हमारे पास इस मंथ के मई के कितने महीने हमारे पास, वो कितने वीक्स हैं, इसमें हमारे पास 3 वीक्स अभी ऑलरेडी हमारे पास पेंडिंग में हैं, 3 वीक्स अभी हैं हमारे पास। और जब से इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन किया था, चलो मैं मानता हूँ आपके एबनॉर्मल 7 to 8 days आपके बेकार गए होंगे, आज से मैं मान के चलता हूँ आपके पास 3 वीक्स तो मई मंथ के हो गए। और सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ जो मैं लिखना बात थोड़ा ध्यान रखना, 30th of June मतलब 30th June जो आपका अगला महीना है, इसमें भी आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होने के, ये बात लिख के ले लो आप, 30th June तक आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं होंगे, किसी भी हालत में एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं होंगे, ठीक है। अब आपके पास जून की 4 वीक्स और इसकी 3 वीक्स यानी कि 7 वीक्स आपके पास अभी हैं, आज से अगर लगाऊं तो 7 वीक्स आपके पास अभी हैं, यानी कि 49 डेज आपके पास अभी हैं, आप अच्छे खासा प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को, कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो अपने दिमाग में डाल लो। अब कहोगे सर कि बता दो सर फिर जुलाई में क्या कह रहे हैं, जुलाई का सुनो सर, अभी CBSE बोर्ड ने ये बोला था कि हम आपकी 1 जून पे एग्ज़ाम वो रिव्यू करेंगे सिचुएशंस को, उसके बाद वो बताएंगे डेफिनेटली एग्ज़ाम्स आपके वो CBSE बोर्ड के भी एग्ज़ाम नहीं होंगे तो वो आगे जाएंगे। अब क्या है, इंस्टीट्यूट ने अपनी नोटिफिकेशंस में क्या लिखा था, दिमाग थोड़ा सा अगर आपने बहुत केयरफुली इसको रीड कराओ तो उसमें लिखा था कि वो MHA की गाइडलाइंस, स्टेट गवर्नमेंट्स की जो भी गाइडलाइंस होंगी, MHA की गाइडलाइंस होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जो भी डायरेक्शंस होंगी और जो भी आपके मतलब एक तरह से और सिचुएशंस जैसी रहेगी कंट्री में, उसको रिव्यू करके, रिव्यू करने के बाद हम आपको नोटिफाई करेंगे 25 डेज पहले, ये चीज़ आप इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन में लिखी थी, आप उसको बहुत प्रॉपरली तरीके से अगर रीड करोगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब जुलाई मंथ की क्या प्रोबेबिलिटी है भाई,
देखो जुलाई मंथ में भी आपके एग्जामिनेशन, मुझे जो फील होता है, क्योंकि मैं अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरी ओपिनियन हो सकती है किसी के साथ डिफर कर सकती है, किसी के साथ भी डिफर कर सकती है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता लगा है जुलाई मंथ में भी आपके एग्जामिनेशन मोस्ट डिफ़िकल्ट हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपके एग्ज़ाम नहीं हो पाएंगे। मतलब जुलाई मंथ में भी जहाँ तक मुझे लगता है एग्जामिनेशन आपके जुलाई मंथ में भी नहीं हो पाएंगे। ये बात भी लिख लो आप, जुलाई मंथ में भी आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होने वाले एज पर माय ओपिनियन। अब ये हो सकता है कि डिफर करे किसी के साथ। अब तुम कहोगे सर जुलाई में क्या, क्यों कह रहा हूँ मैं जुलाई मंथ में, मैं बताता हूँ। अगर आप इसकी एक थोड़ी सी एनालिसिस करके देखो ना स्टूडेंट, 33% पॉपुलेशन ऐसी है हमारी कंट्री की जो कि 18 ईयर से नीचे की है, 18 साल से नीचे, और वैक्सीनेशन 18 साल से नीचे का नहीं चल पा रहा अभी तक। 18 साल से कम का वैक्सीनेशन नहीं चल पा रहा, दिमाग से सोचना इस बात को। जब 18 साल से वैक्सीनेशन है तो 33% को तो वैक्सीन लगी ही नहीं, बची कितनी 67% पॉपुलेशन। अब 67% पॉपुलेशन में भी क्या है, अभी एक डोज लगी है कितने परसेंट लोगों को, 12 करोड़ लोगों को एक डोज, और 3% थ्री करोड़ लोग जो हैं उनको लगी है टू डोज अभी तक। तो सर ऐसा बताऊँ मैं तुम्हें, क्योंकि जब तक वैक्सीनेशन का प्रोग्राम फास्ट नहीं होगा ना, ये सिचुएशन रिकवर नहीं होने वाली। केसेस, नंबर ऑफ केसेस बढ़ते रहते हैं, और मैं एक बात बता दूँ, यहाँ प्रोविज़ो भी मैं यूज़ करूँगा। प्रोविज़ो मतलब समझते हो आप, प्रोविज़ो का मतलब क्या होता है, प्रोवाइडेड दैट सब्जेक्ट टू, आ रही समझ में, सब्जेक्ट टू थर्ड वेव ना आ जाए, कोई म्यूटेशंस ना आ जाए, कोई स्ट्रेन ना आ जाए, वो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो सिचुएशंस को समझने में भी टाइम लगेगा, आपको दिमाग से सोच रहे हो। अच्छा, जुलाई मंथ में CMA के एग्जामिनेशन भी खड़े हैं आपके, जुलाई मंथ में CMA के एग्जामिनेशन भी खड़े हुए हैं। उन्होंने जुलाई में अपने पोस्टपोन कर दिया कि जुलाई में हम एग्जामिनेशन लेने वाले हैं, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब आपको थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि जुलाई मंथ में मेरे हिसाब से तो एग्ज़ाम नहीं होने वाले, तो आपका जुलाई भी चला गया। इट मीन्स दैट आपके पास, ध्यान से सुनना मेरे हिसाब से, आपके पास अभी 79 डेज हो गए सर। आज से अगर मैं लगाऊं तो 79 डेज जुलाई मंथ में भी एग्ज़ाम नहीं होने वाले। नेक्स्ट पार्ट अगर मैं देखता हूं अगस्त मंथ में, अब देखो अगस्त मंथ की क्या सिचुएशन है, इंस्टीट्यूट ये सिचुएशंस को हर महीने रिव्यू करेगा, ध्यान रखना हर महीने रिव्यू करेगा कि सिचुएशंस क्या हैं। और एक बात सुन लो कि अगस्त मंथ में एग्जामिनेशन का सिचुएशंस क्या बनने वाला है। अगर तो वैसे तो कह रहे हैं कि ये आपका मई एंड तक आपका सेकेंड वीक थोड़ा सा पीक पे आ जाएगा, उसके बाद फिर कितना टाइम लेगा हमें नहीं पता। मैंने आपको बस जो बोला है वो ध्यान रखना कि अगस्त, जब आपका फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त लगेगा तो उसमें वापस से सिचुएशंस को वापस से रिव्यू करा जाएगा। अब अगस्त के एंड तक, ध्यान से सुनना, अगस्त के एंड तक, अगर अगस्त तक आपकी सिचुएशंस कंट्रोल में हैं, सारी की सारी ऑक्सीजन्स रिक्वायरमेंट, रेमडेसिविर्स, आपकी वैक्सीनेशंस थोड़ा फास्ट हो गई और सिचुएशन थोड़ी सी रिकवरी फेज में दिखने लगी गवर्नमेंट्स को, और एग्जामिनेशन, अदर एग्जामिनेशन को थोड़ा थोड़ा कंडक्ट कराना चालू कर दिया, तो स्टूडेंट्स अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। आपके जो मेरे हिसाब से एग्ज़ाम्स हो सकते हैं वो मिड ऑफ अगस्त में, या फिर एट द एंड ऑफ अगस्त, मिड ऑफ अगस्त या फिर एट द एंड ऑफ अगस्त एग्जामिनेशंस की हाई चांसेस बन जाएगी। तो मेरा जो बेस मंथ आपको देना था वो था मिड ऑफ अगस्त या फिर एट द एंड ऑफ अगस्त, ये बिल्कुल करेक्ट है। आप इसको कहीं पे भी देख लो कि आपके एग्जामिनेशन इस डेट से पहले नहीं होने वाले एज पर माय ओपिनियन। मैंने फिर वापस से बोल रहा हूँ, माय ओपिनियन इज कैन बी डिफर फ्रॉम द अदर्स, राइट। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको एक और बता दूँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान पे ये भी रखना है, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि जो अगस्त एंड पे एग्जामिनेशन या मिड ऑफ अगस्त में जो भी होगा उसमें भी इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड है, उसके ऊपर भी इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड है कि इंस्टीट्यूट अगस्त मंथ में एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाहती है या नहीं कराना चाहती है, वो सीधा मर्ज करेगी नवंबर में। ये इट्स ऑल ओवर डिपेंड्स अपॉन ICI, ये इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करेगा, ये हम यहाँ पे कोई मेंबर नहीं है भाई, हम सिंपल बता रहे हैं। जब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बिल्कुल विद एनालिसिस के साथ बताऊंगा, तो मैंने इस वीडियो में डिस्कशन यही किया है कि वो इंस्टीट्यूट के ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन याद रखना कि 15 अगस्त, मिड ऑफ अगस्त पे आप एक बेस ऑफ मंथ लेकर के चल सकते हैं, अपने प्रिपेयर अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, बहुत सफिशिएंट टाइम है बॉस। जो चाहे फर्स्ट ग्रुप करना चाहे फर्स्ट ग्रुप करो, सेकंड ग्रुप करना चाहे सेकंड ग्रुप, एज पर योर चॉइस। मेरा काम था, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी है, जो देना था मैंने आपको दे दिया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ज़रूर ध्यान रखना वीडियो पसंद आए, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ये कभी मत भूलिएगा। मैं आपको वो चीज़ दूंगा इस चैनल के थ्रू जो आपने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करी होगी। सो थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन. सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट गाइज़.